तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नरेंद्र का जो ह्यूमरस फ्रैक्चर है, हमने MIS टेक्निक से ट्रीट किया था, इंटरलॉक नेलिंग हमने उसमें यूज़ किया था। तो आज 6 दिन के बाद हम देखते हैं कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है। अब एल्बो को बेंड करके रखेंगे, यहाँ से छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब शोल्डर पकड़ जाओ, पूरा जितना उठा सकते हैं और नीचे लेके आओ, वो नहीं तो यहाँ लगाओ, फिर वापस लेके आओ, ठीक है, स्लिम रहो। तो दोस्तों, हमने MIS टेक्निक के बारे में आपको बताया कि फ्रैक्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नरेंद्र के केस में आपने देखा कितनी जल्दी उनकी रिकवरी हुई है। इस तरह के बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं जिसमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और MIS टेक्निक से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इनमें ना कोई लंबे कट्स की ज़रूरत है, ना कोई इंसीजन लगाने की ज़रूरत है, ना स्टिचेस होते हैं, और ना किसी प्लास्टर की ज़रूरत होती है। फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आसपास के जॉइंट्स स्टिफ नहीं होते हैं, पेशेंट को प्लास्टर का या बार बार ड्रेसिंग कराने का डिस्कम्फर्ट फेस नहीं करना पड़ता है, और पेशेंट्स विद इन 6 to 8 weeks बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से फ्रैक्चर्स हैं जिसमें हम MIS टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते। ये चीज़ें हम, ये टेक्निकल डिटेल्स हम आपसे इसीलिए डिस्कस करते हैं कि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े इस तरह के ट्रीटमेंट की, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सो दैट जब आपके सर्जन आपसे डिस्कस करें, आपको समझाएं, तो आप बहुत इजीली उसको समझ सकें और उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सकें। ये सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल होती है पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी। तो हमारे इस तरह के वीडियोस हम आपसे आगे भी शेयर करते रहेंगे, आगे भी आपसे इस बारे में बात करते रहेंगे। फ्रैक्चर्स पर कोई भी क्वेरीज हैं कि आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, आपका कैसा रिजल्ट आया है, तो आप अपने एक्सरेज, अपने रिपोर्ट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।